सो लो गाइस, कैसे आप लोग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत बड़े वैकेंसी को लेकर। टाटा मेटालिक्स में जो सुपरवाइजर पोस्ट का वैकेंसी निकला है, ऑफिसर लेवल का वैकेंसी निकला है, वर्कर्स लेवल का वैकेंसी निकला है, तो उसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ने इस वीडियो को अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पता लग गया होगा, और लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसमें आपको क्या डाउट हो सकते हैं, जो कि मेनली जो डाउट होगा मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि अप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड वीडियो आप लोगों ने बहुत सारे देख चुके, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिलता है, तो जल्दी सोचा कि आप लोगों का जो मन में डाउट होता है बेसिकली उस पर फोकस किया जाए। सो इससे पहले मेरे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह टेक्निकल जॉब के बारे में पता चलते रहे। और टेलीग्राम जैसे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर नोटिफिकेशन मैं उससे वहां पर डाल देता हूँ। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म टाटा मेटालिक्स डॉट कॉम पर आपको ऑफिशियल साइट में आपको मिलेगा, जो कि आपका वर्क प्लेस जब जाइएगा करियर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो वहाँ पर से आप जा करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को भरने के लिए जो चाहिए, आपका बीटेक होना चाहिए, टेक्निकल डिग्री बी भी चलेगा, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या फिर मेटलर्जी ब्रांच से होना चाहिए। आप डिप्लोमा भी किए हैं तो डिप्लोमा वाले पोस्ट में डाल सकते हैं। आपके तीन तरह का फॉर्म निकला हुआ है, जो कि ITI डिप्लोमा और बीटेक वाले पोस्ट के लिए निकला है, जो कि आपका NCERT सर्टिफिकेट AICTE एग्जाम पास होना चाहिए। मतलब एक साल पहले का जो आप लोग पास करके मेन सर्टिफिकेट आ गया वही लोग भर सकते हैं। फ्रेशर मतलब 2021 का नहीं बोला जा रहा है, फ्रेशर का मतलब यहाँ पर 2020 तक वाले लोग को ही भर सकते हैं फॉर्म को। आप फिर से सुन लीजिए, जो 2020 में पास कर चुके हैं वही फॉर्म इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 2021 वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जब एप्लीकेशन टैब में आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर देखिए 2021 वाला का ऑप्शन दिया नहीं दिया जाएगा। तो चाहे ITI हो, डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, आप 2020 वाले लोग ही भर सकते हैं, जो कि मिनिमम आपका एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल ऑफिसर पोस्ट के लिए, मैक्सिमम 10 साल। डिप्लोमा पास के लिए एक्सपीरियंस नहीं भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिसके पास एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट ये ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं, परमानेंट जॉब मिल सकता है उनको। लेकिन जो फ्रेशर है उनको पहले ट्रेनिंग में रखा जाएगा, अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत आपको 1 साल ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपका 18,500 आपका स्टाइपेंड मिल डिप्लोमा वाले लोग के लिए। और ITI जो किए हैं, जो फ्रेशर ITI वाले हैं जो 2020 में पास किए हैं, उनको 10,500 रुपया आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो उनका ट्रेनिंग 1 साल या 2 साल होगा, उसके बाद जाकर उनका परमानेंट होगा, आपका एक्सपीरियंस वाला का जाएगा परमानेंट हो जाएगा, ये भी क्लियर है। और ऑफिसर पोस्ट के लिए 2 साल कम से कम चाहिए, वो उसमें फ्रेशर नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्रेशर नहीं डाल सकते। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो बीटेक किए हैं वो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई करके देखिएगा, मेरे को नहीं लगता कोई इशू होगा। और जो डिप्लोमा किया वो दोनों पोस्ट के लिए अपना मतलब सीरियल वाइज ITI वाले लोग तो सिर्फ एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, TML04, TML05, TML06 टाटा मेटालिक्स लिमिटेड का फॉर्म ये है। आपका फॉर्म भरना जारी है, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट यहाँ मेंशन नहीं है। एग्जाम डेट आपका आपका जीवन में चला जाएगा, एग्जाम आपका ऑनलाइन कैमरा प्रोटेक्टेड मोड में चलेगा, मतलब घर से ही आपको एग्जाम लिया जाएगा। आपका 10th लेवल का ही लगभग रहेगा, जो कि आपका ITI वाला ब्रांच का है, उसमें डिप्लोमा वाले लोग के लिए भी उसी तरह जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग मैथ्स वगैरह तो रहेगा रहेगा, लेकिन आपका कोर ब्रांच से भी क्वेश्चन रहेगा, और आपका बीटेक वाले लोग को भी कोर ब्रांच से क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद बात करें तो आपका मैट्रिक तो पास होना ही चाहिए, यहाँ पर कुछ परसेंटेज कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर उसके बाद बात करें कि यहाँ पर क्या क्या चाहिए, आपका एक ID प्रूफ चाहिए, बाकी 10th का सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, बीटेक डिप्लोमा जो भी है सबका ऑनलाइन, जो कि NCERT आपका गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आता है उसका होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, आपका अगर कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी भी डाल सकते हैं, फोटोग्राफ चाहिए, इसके अलावा कुछ भी और नहीं चाहिए। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड वही आपका जो कि टाटा स्टील हर में था, 4+-4 हाइट वाइट की बात करें तो नॉर्मल 45 kg बॉयज़ के लिए, 40 kg गर्ल्स के लिए। उसके अलावा आपका हाइट 152 सेंटीमीटर बॉयज और 142 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए। और एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू के कॉल आएगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू का, तब जा करके आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो इस तरह का कोई डाउट सबको नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन से एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे डाउट मैं बता दिया, यहाँ पर वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका 2020 में सब कुछ क्लियर हो गया है। तो मैक्सिमम 10 साल वाले लोग एक्सपीरियंस वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके पीछे भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका 10 साल तो मांगे हैं, तो बहुत सारे बहुत बड़ा चांस है आप लोग को टाटा सन से जुड़ने के लिए, टाटा का पार्ट बनने के लिए। तो आप सारा कुछ फैसिलिटी आपका टाटा के तरह ही रहता है, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो आप कम से कम ये फॉर्म भर के टाटा से आप जुड़ सकते हैं, टाटा का पार्ट बन सकते हैं, तो बहुत बड़ा ऑफर है। सभी को जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो मेरे Instagram ID पर पूछ सकते हैं, मैं इस फॉर्म के बारे में बता दूंगा। और टाटा का कितना लास्ट डेट है अगर कुछ पता चलता तो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आप फॉर्म जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए, ताकि आपको किसी तरह का लास्ट डेट का देखने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल साइट की बात करें तो TataMetallics.com में जाइएगा, वर्क विथ अस,
उसको अप्लाई ऑनलाइन क्लिक कीजिएगा। हालांकि मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एडवर्टाइजमेंट का नोटिस भी डाल दूंगा और डायरेक्ट अप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी डाल दूंगा। सो आपको किसी तरह का चिंता करने का दिक्कत नहीं है। सो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।